हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर क्विक अपडेट जो है मार्केट का देख लेते हैं, क्योंकि BTC के अपडेट जो है पिछले कुछ दिनों से हमने यहाँ पर फॉलो अप नहीं किया है, तो आप लोगों की भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो BTC का चार्ट है उसको अगर हम पुल अप करते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर करंटली हम देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस अभी भी $29,000 का जो जोन है वहीं पर ट्रेड कर रही है। एंड अगर आपको याद होगा, इसी जोन के बारे में हम पिछले काफ़ी महीनों से बात कर रहे हैं कि इस पूरे साल के अंदर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ओवरऑल 28 से लेके यहाँ पर 50 के बीच में लिमिटेड हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीकली कैंडल क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन नीचे आ सकता है। वैसे हमने एक क्रैश जो है 24-25 के अराउंड देखा था, लेकिन आपने देखा यहाँ पर कैसे प्राइस जो है फटाफट बाउंस बैक करके फिर से उसी रेंज पे आ गई और अभी भी करंटली उसी रेंज पे ट्रेड कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ अभी यहाँ पर यह है कि क्या अभी जिस जोन के अंदर बिटकॉइन की प्राइस मूव कर रही है, क्या यहाँ से और नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है? उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करंटली नोटिस कर रहा था, तो आई थॉट कि आपसे भी मैं शेयर कर लूँ ताकि आप भी उसको यहाँ पर क्लोजली फॉलो कर पाओ। तो अभी भी जोन जो है, वैसे अगर आप देख सकते हो, ये हमारा एक सपोर्ट का एरिया बन जाता है, जो प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम हिस्टोरिकली, अभी रीसेंट टाइम्स के अंदर तो हमको काफ़ी बार बाउंस दिया, तो बहुत क्रूशल है। इसके नीचे, एज आई बिन सेइंग, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ से लेके फिर आप ये मान लो ये 12-13 हज़ार तक बहुत ही वीक सपोर्ट से, इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए बहुत क्रूशल जोन है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके अगर नीचे आता भी है, एटलीस्ट वीकली में हमको इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं देखने को मिलनी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी बैड। या तो उस अकॉर्डिंग अभी अगर हम करंटली देखते हैं तो थोड़ा सा, वैसे ये लास्ट वीडियो का अपडेट भी है जस्ट टू शो यू कि लास्ट हमने कहाँ पर लीव किया था, तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा जोन है जो अभी भी करंटली अगर आप देखोगे प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब एक जो चीज़ मैं थोड़ा सा आपको नोटिस करवाना चाहूँगा कि अभी जो यहाँ पर रीसेंट मूवमेंट आया ना, इसके अंदर एक जो चीज़ मैं यहाँ पर मॉनिटर कर रहा था कि एक तरह से फिर से अगर आप देखोगे प्राइस की यहाँ पर लिमिटेशन हो रही है। लास्ट जो हमको वॉल्यूम का ब्लोआउट देखने को मिला था वो ये था, उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम जो है फिर से डिक्लाइन कर रहा है। और जब यूजली ऐसे वॉल्यूम डिक्लाइन करता है और साथ में मैच करता है किसी पैटर्न के साथ, जो पैटर्न आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, कौन सा पैटर्न है ये कॉमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना, अभी तक तो सीख गए होगे वीडियोज़ देख रहे हो। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे प्राइस अभी इस जोन के अंदर लिमिटेड है। एंड यहाँ पर अभी हमारा जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेसिकली जो बन रहा है, इन अ वे यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर या नीचे, वो बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जो एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा ना, यूजली जब ये प्राइस मूवमेंट होता है जस्ट टू सी कि ये प्राइस मूवमेंट जो है क्या RSI के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, लुक एट दिस, प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन अगर आप RSI को देखो, देखो आप हर बार RSI कितने अलग लेवल पे ऊपर आ रहा है। ये प्रीवियस जो हाई है इससे ऊपर अभी तक एक बार भी प्राइस जा नहीं पाई है। ये देखो आप कितनी बार बाउंस आए हैं, जा नहीं पाई है, लेकिन RSI ऑलरेडी इतना ज़्यादा ओवरबॉट हो रहा है। तो ये साफ साफ शो कर रहा है कि सेल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बायर्स। एंड ये इसको हम बोलते हैं हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस, जो हम काफ़ी बार प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि जब भी हमको ये दिखता है थोड़ा केयरफुल रहना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये प्ले आउट होता हुआ हमको देखने को मिला है। तो उसी अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा ना आप ये जो मैंने बनाया, ये दोनों की दोनों लाइंस आप भी बना लो और उस अकॉर्डिंग आप इस एरिया को मतलब एक तरह से मॉनिटर करो, क्योंकि अगर एक्चुअली में कोई मूवमेंट आया तो एक जो पॉसिबिलिटी है ना, ये जो चीज़ बोल रही है, अगर यहाँ पर प्राइस होल्ड करके ऊपर बाउंस नहीं करती है, अगर कोई ब्रेकआउट आ जाए, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ ना, तो आप ये मान लो यहाँ पर हो सकता है 24-25 का एरिया जो यहाँ पर टेस्ट हुआ था वो फिर से यहाँ पर टेस्ट हो, RSI थोड़ा यहाँ पर है, एंड फिर एक हल्की सी जो बुलिश डाइवर्जेंस है ना वो भी यहाँ पर बन सकती है थोड़ी इस तरह से, एंड फिर मे बी हमको एक जो बाउंस है वो देखने को मिले। तो ये एक सिनेरियो है जिसको थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करना और देखना इन लेवल्स पे प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है, ताकि कोई गलत ट्रेड आप यहाँ पर नहीं लो। दूसरी एक चीज़ जो है फंडिंग रेट को हम बड़ा मैच करते हैं यहाँ पर फ्रॉम टाइम टू टाइम, जस्ट टू सी मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। सेंटिमेंट अगर हम देखेंगे, इतना मार्केट जो है कोई अच्छा मूवमेंट आया नहीं है, लेकिन उसके बाद ही फंडिंग रेट अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत एक्सचेंजेस के अंदर यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन मोस्टली अगर आप देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव भी प्ले आउट हो रही है। तो इट्स इन अ वे मिक्सड, मैं ये नहीं बोलूंगा क्लियर सिग्नल है, मेरे अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा मिक्सड यहाँ पर ये चल रहा है। तो प्रॉब्ली आने वाले घंटों में थोड़ा सा और क्लियर हो तो इसको आप भी यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हो। अगर नेगेटिव रहे ज़्यादा बेटर है, अगर और सारे प्लेटफॉर्म में हो जाए तो इस चीज़ को भी आप मॉनिटर करना। मोर ओवर अभी जो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन्स बताई है, इसको क्लोजली यहाँ पर आप मैच करना और उस अकॉर्डिंग आप मूवमेंट जो है देखना। तो ये क्विक अपडेट हो गया अभी BTC का, एंड बाकी जो BTC का नेक्स्ट अपडेट है कल मैं आपसे फिर से शेयर करूंगा, ताकि आप सीखते भी रहो और मार्केट के साथ यहाँ पर अपडेटेड भी रहो। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे हम कल के वीडियो के अंदर, और आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट BTC, क्या लगता है आपको, कॉमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।